चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, सरकार की योजनाओं को बढ़ चढ़ कर लाभ लेने को कहा। गढ़वा जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने सोमवार को चीनिया प्रखंड के बरवाडीही पंचायत सचिवालय परिसर में ग्रामीणों के साथ एक बैठक बुलाई, जहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हुए। बैठक में नितेश सिंह ने ग्रामीणों को झारखंड सरकार की योजनाओं को बढ़ चढ़ कर लेने को कहा। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अबुआ आवास के नाम पर किसी भी अधिकारी पदाधिकारी या बिचौलियों को एक रुपया भी ना दें। हमने जिले के अधिकारियों को भी चिताया हुआ है, अगर फिर भी कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो हमें बताएं। वैसे अधिकारी को किसी भी परिस्थिति में हम लोग बक्सने का काम नहीं करेंगे और आप लोग अबुआ आवास को अच्छी तरीके से बनाएं। इसके साथ मनरेगा योजनाओं का भी लाभ लें और एक योजना जल्द ही अगस्त महीने से शुरू होने वाली है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत महिलाओं तथा बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जो अगले अगस्त महीने से शुरू की जानी है। ये योजना सिर्फ महिलाओं और बेटियों को ही दिया जाएगा। इसके लिए सभी लोग हमारी माँ बहन को जागरूक करने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 60 वर्ष के बाद लोगों को वृद्धा पेंशन मिला करता था, लेकिन हमारी सरकार ने 50 वर्ष की महिलाओं को भी वृद्धा पेंशन देने का काम किया है और उसके बाद सभी 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक के माँ बहन बेटियों को हमारी सरकार प्रत्येक महीने 1,000 रुपये देने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे सावित्रीबाई फूले किशोरी स्मृति योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभ को बढ़ चढ़ कर लें। अभी फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को शुरू किया जाना है। जो लोग अबुआ आवास में छूटे हुए हैं, योग्य लाभों के कार्यक्रम में अपना फॉर्म जरूर जमा करेंगे, निश्चित रूप से सभी को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार सभी जनहित के मुद्दों पर काम करेगी है और आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर मुखिया पम्मी देवी, उप मुखिया मनदीप यादव, पंचायत सेवक रामनाथ सिंह, मुख्तार अंसारी, उमेश यादव, भोला यादव, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक सहित सैकड़ों संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पूरे जिला में बरवाडी पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ योजना का कोई गिनती नहीं है, चाहे माननीय मंत्री जी की ओर से हो, विधायक मत से हो, हमारे मत से हो, बहुत सारा योजना भी। एक रोड का हम लोगों ने चपला में पूजा कराया, वो आपका बरवाडी से सिक्सिगा खोल चपला होते पेंगली पेस्का निकल रहा है और पेस्का से फिर सिक्सिगा कला होते हुए आ जा रहा है। ये सब सारी योजना के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए और अगर हम किसी के पास नहीं जा पाए तो आप ही लोग के लिए, इस पंचायत के लिए, इस प्रखंड के लिए हम व्यस्त रहते हैं और कुछ कुछ योजना आने का काम करते हैं। अभी जब चुनाव का समय आएगा तो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है कि ये चीज मोदी सरकार का दिया हुआ चीज है, जबकि दो चार लोग होते हैं जो ऐसा बिना दिए हुए भी हिम्मत रखते हैं कि मोदी सरकार का दिया हुआ चीज है। तो अभी सरकार का एक अबुआ आवास योजना चल रहा है, बरवाडी पंचायत में लगभग 550 आवेदन सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में आप लोगों के द्वारा दिया गया था और उस आवेदन को तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी सरकार, हमारे प्रखंड के सभी पदाधिकारी यहीं पर, चाहे वो पेंशन हो, जॉब कार्ड का मामला हो, जमीन से संबंधित मामला, किसी तरह का मामला का वही ऑन स्पॉट निपटारा किए थे। जो आप आवेदन अबुआ आवास के लिए दिए थे, क्योंकि पीएम आवास भी हम बरवाडी पंचायत में काफी सभी पंचायतों से ज्यादा यहाँ पर आवंटन लाने का काम किए थे और हमको नहीं लगता कि कोई घर बाकी रहा होगा, लेकिन अब उनके बाद उनका ब्लड बेटा है, नाती है, तो सरकार 2.25 लाख रुपया का हुआ आवास योजना लागू, कितना का 2 लाख का ना, 2 लाख रुपया का हुआ आवास योजना लागू की है। फर्स्ट राउंड में हम 43 लोगों का जियो टेक करा पाए थे, अब की बार हमारे पास टारगेट 152 आया है। अब 152 में कौन लोग जेन्युइन है उनको हम लोग चयन करके, करीब करीब सब लोग जेन्युइन है जिनका नाम आया है, कुछ 2-4 लोग है जिनको हम लोग काट सकते हैं और बच जाएंगे मोटा मोटी 350 का टारगेट, जो फिर अगला बार 150-200 का टारगेट हमको मिल जाएगा। तो जिनको मिला है वो आराम से बनाएंगे, जिनको नहीं मिला है वो बकाएंगे नहीं। आप जितने लोग आवेदन किए हैं सब लोग का
ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गया है और पारा पारी टर्म बाय टर्म आपका आते रहेगा। एक सबसे बड़ा चीज है कि अबुआ आवास योजना में पूरे जिला में हम चेताए हुए हैं सभी पदाधिकारी को कि एक रुपया कोई किसी को घूस नहीं देगा। अबुआ आवास के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है आपसे, आप हम परमानेंट या 24 घंटा रहते हैं, मेरा फोन नंबर सभी लोगों के पास करीब करीब है, आप हमको एकदम सूचित कीजिएगा कि अबुआ आवास से पैसा कोई मांग रहा है। और आप लोग अबुआ आवास को बढ़िया से बनाइए, मनरेगा योजना या काफी संख्या में चल रहा है उसका लाभ लीजिए। और एक योजना और है, माई कुई मुख्यमंत्री बेटी बहन स्वावलंबन योजना। पहले 60 साल में लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था, 60 साल आते आते आदमी कितना मर जाता था, कितना इंतजार करते रहता था, तब हमारे सरकार, हमारी हेमंत सोरेन की सरकार सर्वजन योजना पेंशन लागू किया, उसमें 60 वर्ष में सभी लोगों का पेंशन चालू किया गया। पहले लिमिट होता था, उसके बाद 50 साल का किया गया, 50 साल से पेंशन लागू किया। अब जो मुख्यमंत्री बेटी बहन स्वावलंबन योजना है उसमें 21 साल से 49 साल के सभी हमारी बेटी बहन को उस योजना का लाभ मिलेगा। उसका भी फॉर्म हमारे कार्यकर्ता संबंधित पदाधिकारी आपके गांव में हमारा प्रज्ञा केंद्र का एक टीम बैठेगा और जो जो कागज आपसे मांगा जाएगा है का उसका कागज का लग रहा है उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड बहुत ज्यादा कोई उसमें जो आपके पास सभी लोगों के पास है उस योजना के नाम पर भी अगर कोई आपसे फॉर्म मांगेगा पैसा मांगेगा तो आप हमसे बिना पूछे नहीं दीजिएगा। हमारा कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी आपके गांव में जाएंगे और वहीं फार्म भरेंगे और 1000 रुपया पेंशन आपका अगले माह से अगस्त माह से चालू किया जाएगा। आप जितना यहाँ लोग जुटे हुए हैं सभी लोग जाके अपने अपने गांव टोला में इस चीज का प्रचार करेंगे। और हमारा पंचायत में गाँव है सिंसिका खोल, जब सरकार आपकी द्वारा योजना कार्यक्रम चलाई जा रही थी तो वहां के BDC योगेंद्र गुप्ता पूरे गांव के लोगों को मना कर दिया कि फर्जी फॉर्म भरा रहा और वहां के लोग आज पीछे चले गए, फॉर्म नहीं भर पाए सिंसिका खुर्द में। ये बहुत दुख की बात है, यहाँ के लोग भी काफी लोग बहुत फॉर्म नहीं भरने पाए थे। हमारे गार्जियन है यहाँ बिस्तर से आगे बैठे हुए, फॉर्म नहीं भर थे, बाद में उनको बताए आया नाम, तो उसी तरह से बहुत सारे लोग पिछड़ गए हैं। अभी फिर से हमको लगता है कि अगले महीने सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चालू होगा, उसमें सभी छूटे हुए लोग फिर से आवेदन करेंगे, उनका भी अबुआ आवास मिलेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और ग्राम सभा में जितना लोग नहीं आए थे शनिवार, जो आए थे वो साइन कर दिए थे वो ठीक है, जो नहीं आए थे वो रजिस्टर में साइन कर दिए जाएंगे।